गुड मॉर्निंग बच्चों। अचानक कुछ पंक्तियां याद आईं। ये और बात की आंधी हमारे वश में नहीं, मगर चराग जलाना तो इख्तियार में है। भले ही आज ये मुश्किल का दौर है, लेकिन इस मुश्किलों में भी हल ढूंढ लेना, अपने रास्ते की पहचान कर लेना और मंजिल की ओर बढ़ना, ये मानव की फितरत रही है। आज आप विद्यालय नहीं आ सकते, लेकिन आपकी शिक्षण प्रक्रिया ना रुके, आपका पठन पाठन ना रुके, अनवरत जारी रहे, इसके लिए बीएमसी यानी हमारा बृहन मुंबई महानगर पालिका का शिक्षण विभाग ये पूरी तरह से प्रयत्नरत है। और इसी प्रयास में मैं पुष्पा यादव गोरेगांव ईस्ट म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है गणित भाग दो, और ये क्लास है कक्षा नौवीं के लिए। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे ज्यामिति उपकरण दिखाई दे रहे होंगे। ये उपकरण सबसे अधिक हम किस प्रकरण के लिए उपयोग करते हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज का हमारा पाठ है त्रिभुजों की रचनाएं। पिछली कक्षा में आपने कुछ रचनाएं सीखी हैं, आज भी हम त्रिभुजों की रचनाएं इस प्रकरण में क्या मुद्दा सीखेंगे वो आगे स्क्रीन पर देखते हैं। इसके पहले आपको कुछ बातें, आज का लेसन शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? आपने पिछली कक्षाओं में जो सीखा है वो याद करेंगे। किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना, यदि रेखाखंड दिया हुआ है तो किस प्रकार से उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ये हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है। इस ज्ञान का उपयोग हम आज करने वाले हैं। दूसरा है लंब समद्विभाजक के प्रमेय का ज्ञान। आपने कक्षा नौवीं के तीसरे पाठ में इस प्रमेय को पढ़ा है, इस प्रमेय का उपयोग भी हम यहाँ करने वाले हैं। आधार का एक कोण तथा दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया हो तो त्रिभुज की रचना करना। अब चौथे पाठ की अपनी पिछली कक्षा में आपने ये मुद्दा सीखा है। आज का हमारा जो लेसन है उसका क्या उद्देश्य है, हम क्या सीखने वाले हैं? त्रिभुज की विशिष्ट जानकारी दिए जाने पर त्रिभुज की रचना कर सकना, यानी जब क्लास खत्म होगी तो हम क्या सीख चुके होंगे? यदि त्रिभुज की विशेष जानकारी दी है, उसकी भुजाओं से संबंधित, उसके कोणों से संबंधित जानकारी दी हुई है, तो हम त्रिभुज बना सकेंगे, त्रिभुज की रचना कर सकेंगे। तो आज का हमारा मुद्दा है रचना दो, त्रिभुज का आधार तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर। पिछली कक्षा में आपने क्या सीखा था? त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया हो, यहां पर हमें क्या दिया होगा? आज का हमारा मुद्दा है त्रिभुज का आधार दिया हो और शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर दिया हो, यानी आपको भुजाओं की लंबाइयां प्रत्यक्ष नहीं दी हुई हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का अंतर दिया है और आपको क्या जानकारी दी है? आधार का एक कोण। इन जानकारियों के आधार पर हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो एक सबसे पहले एक उदाहरण हल करते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रश्न संग्रह की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ये आपको आधार दिया हुआ है, आधार की लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, आधार का एक कोण है, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी यानी आधार के कोण
ए बी सी का मान 40 अंश दिया है तथा ए बी माइनस ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर यानी दो भुजाओं की लंबाई का अंतर दिया है। ए बी माइनस ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पहले कच्ची आकृति देखेंगे, अर्थात सबसे पहले हम समझेंगे कि इस रचना को कैसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी, यानी हमें त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है जिसमें आधार बी सी, जिसकी लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कोण बी का मान है 40 अंश। अब यहाँ पर यदि किसी एक और भुजा का मान या किसी एक और कोण का मान दिया हो तो हम रचना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ए बी माइनस ए सी यानी दो भुजाओं का अंतर दिया है। तो पहले स्पष्टीकरण समझेंगे कि कैसे हम रचना करेंगे। यहाँ देखते हैं, ए बी माइनस ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसका अर्थ है भुजा ए बी की लंबाई ए सी की लंबाई, यानी ये जो लंबाई है वो ए सी की लंबाई से अधिक है। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड खींचेंगे। हमें आधार दिया है तो आधार खींच लेते हैं। हमने बी सी 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का बी सी खींचा। उसके बाद बिंदु बी से 40 अंश का कोण बनाने वाले 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण लिया और उस किरण पर हम बिंदु डी लेंगे। इस प्रकार डी लेना है कि बी डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी दो भुजाओं के अंतर के बराबर होनी चाहिए। तो बी डी बराबर होगा ए बी माइनस ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमें पहले से क्या दिया है, किरण बी डी पर ए को खोजना है, यानी जो हमने किरण खींचा है उस पर बिंदु ए को हमें खोजना है। ए बी माइनस ए सी बराबर है ए बी माइनस ए डी और ये बराबर है 3 के, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, ए डी बराबर ए सी, या अर्थात ए डी और ए सी की लंबाई समान है। अब आपने लंब समद्विभाजक का प्रमेय पढ़ा होगा तो एक बार याद करेंगे, यदि कोई रेखाखंड दिया हुआ है, मान लिया जाइए एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, लंब और समद्विभाजक को हम इस तरह समान चिन्हों से दर्शाते हैं, तो लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु वो रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। इस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे, अर्थात हम सी डी को जोड़ देंगे और उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। उस लंब समद्विभाजक पर हमारा बिंदु ए होगा, तो बिंदु ए यह रेख सी डी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। सी डी हमने खींचा, फिर सी डी का लंब समद्विभाजक यह बिंदु ए, यह किरण बी एल तथा डी सी के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो ये हमारा बिंदु ए है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले आधार बी सी खींचेंगे और 40 अंश का कोण बन, उसके बाद बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर डी लेंगे, डी से सी को खींचेंगे और डी सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। वो लंब समद्विभाजक किरण बी एल या बी डी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा वो बिंदु ए होगा। तो ये हमारा स्पष्टीकरण है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम पक्की आकृति पक्की रचना करेंगे।
बच्चों सबसे पहले हम रचना के सोपान और रचना सीखेंगे। इसके बाद हम प्रत्यक्ष टूल्स की सहायता से भी रचना करेंगे। रचना के सोपान पहला स्टेप है 7.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख बीसी खींचिए। तो आप सब पेंसिल और स्केल लेकर बैठेंगे, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठेंगे और रचना साथ साथ करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो आप साथ में रचना नहीं करेंगे तो बिल्कुल बाद में आपको याद रहने वाला नहीं है। 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेख बीसी हमने खींचा, नाम देंगे, ये हमारा बिंदु बी है, दूसरा बिंदु सी है। अब दूसरा स्टेप है बिंदु बी से 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण बी एल खींचिए। बिंदु बी पर कोण बनाने की कृति हमने सीखी है, कोण विधि क्या है। ये रचना पूरी होने के बाद हम टूल्स की सहायता से भी सीखेंगे। बिंदु बी से हमने किरण बी एल खींची है जो रेखाखंड बी सी के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 40 अंश का। किरण बी एल पर बिंदु डी इस प्रकार लेंगे कि बी डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। तो बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप खींचना है, उस बिंदु को निर्देशित करेंगे और बिंदु का नाम देंगे डी। तो ये 3 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख बी डी हो गया। अब बिंदु डी से सी को जोड़ देंगे। चौथा सोपान है रेख सी डी खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो सी डी को मिला दिया। अब लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं, गोला प्रकार लेंगे, उसका नुकीला सिरा हम बिंदु डी पर रखेंगे और रेख सी डी के ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में चाप खींचेंगे। तो ये हमने एक और चाप खींचा। अब समान लंबाई वाला दूसरी ओर चाप खींचेंगे। फिर बिंदु सी से हम उसी लंबाई का चाप खींचेंगे, यानी पहले खींचे हुए चाप को प्रतिच्छेदित कर देंगे। तो इस तरह से हमें प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होंगे। जब इन दो बिंदुओं को जोड़ेंगे, दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे, तो यहां पर देखते हैं ये रेखा इस बिंदु पर किरण बी एल को प्रतिच्छेदित करती है। तो ये हमारा बिंदु ए होगा। ये हमने क्या खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा है। तो लंब और समद्विभाजक को चिन्हों द्वारा दर्शाएंगे। समान है दूरियां, समान दूरी को समान चिन्हों से दर्शाएंगे। किरण बी एल को रेख सी डी का लंब समद्विभाजक जिस स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है उसे ए नाम दीजिए। तो प्रतिच्छेदन बिंदु किरण बी एल और सी डी के लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु को हमने ए नाम दिया। अब रेख ए सी खींचेंगे, ए सी खींच लिया। तो इस प्रकार से त्रिभुज ए, यहां पर देखते हैं ए डी सर्वांगसम है। हमने स्पष्टीकरण में देखा था रेख ए डी सर्वांगसम होगा रेख ए सी के, तो उसे हमने दर्शाया है समान चिन्हों से। तो इस प्रकार से ए बी सी, बी सी हमने पहले से ही लिया था। यहाँ पर देखिए ये बिंदु बी है, बिंदु सी है और यहाँ पर बिंदु ए है। तो इस प्रकार से हमारा अभीष्ट त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इसी रचना को प्रत्यक्ष करेंगे, मेरे साथ आप भी रचना करेंगे। सबसे पहले आप अपने हाथ में स्केल लीजिए, मापन पट्टी जिसे हम कहते हैं। हमने ये
स्केल ले लिया, सोपान स्टेप आप समझ चुके हैं और रचना भी आप देख चुके हैं किस तरह से होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम रचना करेंगे। हमने स्केल लिया, पेंसिल लीजिए। हमारा आधार 7.5 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम 7.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड खींचेंगे। ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। तो अब इसे नाम दे देंगे, ये है बिंदु बी और दूसरा बिंदु है सी। इसकी लंबाई कितनी है? आपने इसके पहले नामांकित आकृति सी देखा है, तो नामांकन उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए बिंदुओं का निर्देश दूंगी। अब हमें बिंदु बी पर 40 अंश का कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए हमारा उपकरण है कोण मापक, प्रोट्रैक्टर। इसे हम बिंदु बी पर इस प्रकार से रखेंगे, रेख बी सी पर सीधा रखेंगे। कोण बनाने की विधि अगर याद नहीं है तो फिर से स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे। पेंसिल लेंगे और यहां से गिनना शुरू कीजिए, 0 अंश, 10, 20, 30 और ये 40 डिग्री। अब यहाँ पर निशान लगा लेंगे, 40 अंश पे हमने मार्क कर लिया। अब इसे फिर से स्केल लेकर जोड़ देंगे। ये आपको रचना साथ में करनी है और थोड़ा पेशेंस रखना है। बिंदु बी लिया और स्केल को जो हमने निशान लगाया था वहां से, यानी 40 अंश माप बनाने वाले बिंदु से जोड़ेंगे। तो ये 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण खींच लिया हमने। अब हमें 3 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु डी लेना है। तो कैसे मापेंगे? आप स्केल से पेंसिल का निशान लगा सकते हैं या कोण मापक लीजिए, उसे बिंदु बी पर, नुकीला सिरा बिंदु बी पर रखिए और दूसरा सिरा यानी जिसमें पेंसिल लगा हुआ है वो 3 पर स्थिर करिए। अब इस दूरी को लॉक कर देंगे, स्केल अपनी जगह। अब हम चाप खींचेंगे। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु डी ले लिया है। ये है हमारा बिंदु डी जो बी से कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब रेख डी और सी को जोड़ देंगे। स्केल को एक सिरा सी पर रखेंगे, दूसरा कहाँ रखेंगे? डी पर। तो ये इस तरह से बिंदु सी और बिंदु डी को जोड़ना है, यानी रेख सी डी खींचेंगे। तो ये हमने रेख सी डी खींचा। स्केल को वापस उसकी जगह रखेंगे। अब हमें रेख सी डी का लंब समद्विभाजक खींचना है। रेख सी डी के लंब समद्विभाजक खींचने के लिए कौन सा उपकरण चाहिए हमें? फिर से कोण मापक, गोला प्रकार लेंगे, राउंडर जिसे कहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सी डी की जो लंबाई है उसकी आधी से अधिक दूरी लेंगे। तो ये लगभग आधे से अधिक दूरी हो गई, इस दूरी को लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर हम सी डी के दोनों ओर चाप खींचेंगे। तो ये हमने गोला प्रकार लिया, अब इसकी एक दिशा में हमने चाप खींचा, इसी प्रकार से सी डी के नीचे की दिशा में भी हम चाप खींचेंगे। तो ये
हमने नीचे की दिशा में चाप खींचा है। अब नुकीला सिरा जो हमारा गोला प्रकार है उसका नुकीला सिरा सी पर रखेंगे, तो ये सी पर रखा। अब जो हमने पहले से चाप खींचा है उसे प्रतिच्छेदित करने वाला चाप खींचेंगे, तो ये चाप को प्रतिच्छेदित कर दिया। अब दूसरा जो नीचे की चाप है उसे भी प्रतिच्छेदित करेंगे सीडी की दूसरी दिशा में। तो इस तरह से सीडी के दोनों ओर हमें दो प्रतिच्छेदन बिंदु मिले हैं। अब इन बिंदुओं को जोड़ेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे जहां की ये रेख या किरण बी डी को प्रतिच्छेदित करेगा। जिस बिंदु पर ये किरण बी डी को प्रतिच्छेदित करेगा वो हमारा बिंदु होगा ए। ये हमने पहले ही रचना में सीख लिया है, तो स्केल को सीधा रखेंगे इस तरह से। स्केल बिल्कुल पेंसिल, आपकी रचना करते समय पेंसिल पॉइंटेड होनी चाहिए, नहीं तो फिर रेखा सीधी जो रचना है वो बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरा कलर लेंगे ग्रीन। तो अब दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये हमने जोड़ दिया। अब बिंदु बी, यहां बी सी और हमने डी सी का लंब समद्विभाजक खींचा है। अब यहां पर देखते हैं कि वो इस बिंदु पर यहां पर प्रतिच्छेदित करता है, तो इस बिंदु से हम सी को जोड़ेंगे। तो स्केल लेंगे, स्केल का एक सिरा सी की ओर होना चाहिए। ये हमारा इस तरह से हमने सी को जोड़ दिया। अब देखते हैं कि हमारा त्रिभुज, ये जो बिंदु मिला स्केल पॉइंटेड होनी चाहिए, पेंसिल पॉइंटेड होनी चाहिए, ये हमारा है बिंदु ए। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना की है। हमें आधार BC दिया था और आधार का एक कोण दिया था, बिंदु B जिसका माप था 40 अंश। आधार के कोण का माप 40 अंश था। B से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने D लिया, D से C को जोड़ा और इसका लंब समद्विभाजक खींचा। पक्की नामांकित आकृति में आप पहले ही देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज एबीसी की रचना की है। तो अब हम दूसरा उदाहरण सीखते हैं। इसके पहले हमने देखा था उदाहरण एक, ये हम पहले ही देख चुके हैं। यहां पर हमने देखा था AB बड़ा था और AC छोटा था। यदि उल्टा हो तो कैसे रचना करेंगे, वो अगला मुद्दा है हमारा उदाहरण दो में। त्रिभुज ABC में BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण ABC का माप 40 अंश ही है। अब यहां पर क्या दिया है ध्यान से देखेंगे, AC माइनस AB दिया है, यानी भुजा AC, ये भुजा बड़ी है, AC ग्रेटर है AB से। तो ये रचना करना हम सीखेंगे। कच्ची आकृति हमने बना ली है, यानी हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें आधार BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AC इज ग्रेटर देन AB, यानी AC बड़ा है और AB छोटा है। तो अब सबसे पहले आधार BC खींचेंगे, ये भी कच्ची आकृति है,
पक्की रचना हम इसके बाद करेंगे। 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेख बीसी खींचा। अब बिंदु बी से यानी रेखाखंड के बीसी के बिंदु बी से 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण बीटी खींचते हैं। ये हमारी किरण बीटी है जिसका बिंदु ए इसी किरण पर यानी बीटी इस किरण पर बिंदु ए होगा। तो यहां पर हम देखते हैं एसी बड़ा है। यदि एसी बड़ा है और ए बी छोटा है तो ए बी की दूरी से यानी जो ए है वो ऊपर की दिशा में नहीं हो सकता, तो वो किधर होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बी टी के विपरीत दिशा में यानी बी टी की विपरीत किरण खींचेंगे और उस विपरीत किरण पर बिंदु डी लेंगे। तो हमने विपरीत किरण खींचा है किरण बी एस और बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु डी लेंगे। तो ये हो गया बिंदु बी डी जो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमें पहले से ज्ञात है ए डी बराबर है ए बी प्लस बी डी, ये और ए बी प्लस 3 बराबर ए सी है। ये कैसे मिला, क्योंकि ए सी माइनस ए बी बराबर हमें 3 सेंटीमीटर दिया है। तो जब पक्षांतर करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस 3। तो इसका अर्थ है AD AC के बराबर होगा। यानी फिर से हमें क्या करना है, रेखा CD खींचना है, रेखाखंड CD खींचना है और रेखाखंड CD का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और उस लंब समद्विभाजक तथा किरण BT पर हमारा बिंदु A होगा। तो इस तरह से दोनों प्रश्नों में हमें समान प्रकार से रचना करनी है, लेकिन अंतर यहाँ पर क्या है, यदि AC यहाँ पर छोटा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो किरण है कोण बनाने वाली, आधार से कोण बनाने वाली किरण की विपरीत दिशा में किरण खींचेंगे और जो दी गई दूरी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दूरी दी हुई है तो वो लंबाई हम किधर लेंगे, नीचे की दिशा में, रेखाखंड आधार की नीचे की दिशा में यानी आधार से बना कोण बनाने वाली जो किरण है उसकी विपरीत किरण पर नीचे की ओर बिंदु लेंगे और वहां से सीडी खींचेंगे और उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो अब हम पक्की रचना करेंगे। प्रश्न वही है, पहला स्टेप है 7 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख बीसी खींचिए। तो आप सब भी साथ साथ रचना करेंगे, स्केल और पेंसिल हाथ में लीजिए और 7 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख बीसी खींचिए। तो ये हमारा रेख बीसी है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, बिंदु बी और बिंदु सी। दूसरा स्टेप है बिंदु बी से 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण बीटी खींचिए। तो हमने बी से 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण बीटी खींचा। बिंदु बी बिंदु डी इस प्रकार लेंगे। अब यहां पर बीटी की विपरीत किरण पर बिंदु डी लेना है। हमने B से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर नीचे की दिशा में चाप खींचा, इसे बिंदु D नाम दिया, इसकी लंबाई भी लिखेंगे। जब आप रचना करेंगे तो रचना पूरी तरह से नामांकित होनी चाहिए, सारे घटकों को निर्देशित करना है आपको। रेख CD खींचकर, चौथा सोपान है, रेख CD खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो हमने सी डी खींचा। अब लंब समद्विभाजक खींचना, इसके पहले हमने टूल्स की सहायता से सीखा था, अब गोला प्रकार लेंगे, उसका नुकीला सिरा हम डी पर रखेंगे, सी डी की आधे से अधिक दूरी लेकर सी डी के ऊपरी दिशा में और नीचे की दिशा में चाप खींचेंगे। तो स्टेप्स पर ध्यान देंगे, ये हमने चाप खींचा बिंदु डी से और ऊपर की दिशा में भी हमने चाप खींचा। अब बिंदु सी से चाप, इस जो पहले से हमने चाप खींचा उसको प्रतिच्छेदित कर देंगे। बिंदु सी से
हमने नीचे की दिशा में खींचे गए चाप को प्रतिच्छेदित किया, अब इसी तरह से ऊपरी चाप को, हमें दो प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गए हैं, अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देना है। तो रेखाखंड सी डी के लंब समद्विभाजक को हमने खींच लिया। तो अब ये दर्शाएंगे, लंब समद्विभाजक को चिन्हों द्वारा दर्शाएंगे, ये लंब का चिन्ह है, फिर ये समद्विभाजक है, तो समान चिन्हों से समद्विभाजक दर्शाएंगे। किरण बी एल को रेख सी डी का लंब समद्विभाजक जिस स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है उसे ए नाम दीजिए। आपने लोकेट कर लिया, आप बिल्कुल पहचान चुके हैं, ये है हमारा बिंदु ए। जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये है हमारी किरण बी टी, और ये लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु है, हमें इसे ए नाम देना है। तो ये बिंदु और ए, तो अब रेख ए सी खींचेंगे। ए सी खींच लिया तो त्रिभुज ए बी सी ये अभीष्ट त्रिभुज है, यानी हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया है। तो आपने रचना किया है लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ताकि सोपान्स लिखे हुए हैं और बगल में रचना लिखी हुई है, तो कभी भी आप इन सोपानों को फॉलो करेंगे, रचना को ध्यान से देखेंगे तो आप रचना खुद से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अब हमने दो तरह की रचनाएं अभी तक सीखी हैं, एक जब भुजा ए बी बड़ा हो और दूसरा जब भुजा ए बी छोटा हो। तो इस ज्ञान का उपयोग करके हम प्रश्न संग्रह 4.2 हल करेंगे। तो आइए, और ये सॉल्व करते हैं। 4.2 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। जो हमने उदाहरण सीखे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से सेम उदाहरण है तीनों, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें वाई जेड बराबर 7.4 सेंटीमीटर, यानी आधार दिया है 7.4 सेंटीमीटर लंबा, मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड बराबर 45 अंश, आधार का कोण हमें 45 अंश दिया है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर भुजा कौन सी एक्स वाई माइनस एक्स जेड दिया है, तो इसका अर्थ है भुजा एक्स वाई बड़ी है, यानी इस बिंदु वाई से जो हम किरण खींचेंगे उस पर ऊपर की दिशा में एक्स होगा। तो पहले स्पष्टीकरण लिखते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स जेड बराबर 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड। तो पहला स्टेप है 7.4 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड खींचेंगे। तो ये हमने वाई जेड खींचा जिसकी लंबाई 7.4 सेंटीमीटर है। अब बिंदु वाई से 45 अंश का कोण बनाने वाली किरण वाई पी खींचा, और इस वाई पी पर हम बिंदु टी लेंगे, और टी इस प्रकार लेना है कि वाई टी की लंबाई 2.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 2.7 सेंटीमीटर पर हमने वाई टी ले लिया। अब वाई टी से जेड को जोड़ देंगे और फिर टी जेड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, वो किरण वाई पी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा वो हमारा बिंदु ए होगा।
यानी किरण वाई पी पर हमें बिंदु एक्स को खोजना है। एक्स वाई माइनस एक्स जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स टी बराबर 2.7 सेंटीमीटर। तो इसलिए एक्स जेड बराबर होगा एक्स टी के, अर्थात बिंदु x यह टी जेड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अर्थात टी जेड खींचेंगे, उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे और दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु x होगा। तो ये हमारा स्पष्टीकरण है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब पक्की आकृति करेंगे। सोपान आपको याद ही हो गए होंगे, फिर भी हम लोग सोपानों को भी लिखेंगे ताकि रचना सुगम हो। पहला सोपान है 7.4 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख YZ खींचिए। ये रहा हमारा रेखाखंड YZ जिसकी लंबाई है 7.4 सेंटीमीटर। बिंदु Y से 45 अंश का कोण बनाने वाली किरण YP खींचेंगे। तो ये रही हमारी किरण YP जो बिंदु Y पर 45 अंश का कोण बनाती है। अब YP पर T लेना है, यानी Y से 2.7 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप खींचेंगे, उस बिंदु को निर्देशित करेंगे और इसे नाम देंगे टी। लंबाई भी लिखेंगे, इसकी लंबाई है 2.7 सेंटीमीटर। अब टी से जेड को जोड़ देंगे। चौथा सोपान है रेख टी जेड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो रेख टी जेड खींचेंगे, अब टी जेड का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो बिंदु T से TZ की एक दिशा में चाप खींचेंगे, फिर दूसरी दिशा में चाप खींचेंगे, फिर उसी लंबाई वाला चाप हम बिंदु Z से खींचेंगे। ये दोनों चाप हमने खींच लिए, अब इसे जोड़ देंगे। दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा खींचा। अब ये रेखा को बढ़ाएंगे और वो किरण वाई पी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे हम एक्स नाम देंगे। सबसे पहले ये रेखाखंड लंब है वो हमने दर्शाया, अब ये समद्विभाजक है तो सर्वांगसम चिन्हों द्वारा दर्शाएंगे। इसके पश्चात किरण वाई पी को रेख टी जेड का लंब समद्विभाजक जिस स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है उसे x नाम देंगे। तो ये बिंदु हमने लिया, इसका नाम है x। रेख x z खींचेंगे, x z खींचा। यहां पर x t स्पष्टीकरण में हमने देखा था x t सर्वांशम है x z के, तो वो दर्शाएंगे क्योंकि ये x TZ के लंब समद्विभाजक पर है। तो लंब समद्विभाजक का प्रमेय हमें याद है कि बिंदु लंब समद्विभाजक पर स्थित जो बिंदु है वो रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। तो इसलिए हमने सर्वांगसम चिन्हों द्वारा दर्शाया है, XT सर्वांगसम है XZ के। तो इस प्रकार से त्रिभुज XYZ ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम टूल्स की सहायता से इस रचना को फिर से करेंगे। अब यहां पर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे टूल्स की सहायता से आप प्रत्यक्ष रचना कैसे कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले स्केल लीजिए हाथ में और सोपान आप पढ़ ही चुके हैं, आपने रचना भी देख लिया है कैसे होगी। हमें त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है जिसमें आधार वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर है। तो ये हमने स्केल ले लिया है, आप भी अपने साथ में स्केल लेंगे, रचना तुरंत साथ साथ ही करनी है।
स्केल को सीधा कर लेंगे। अब यहां पर 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने जीरो पर रखा, इसे हम 7.4 सेंटीमीटर, ये 7.4 हो गया, पेन को रख दिया। अब कोण बना लेंगे, बिंदु वाई पर 45 अंश का कोण बनाएंगे। तो कोण मापक को सीधे कोण मापक में देखेंगे, दो प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं हैं, जैसे हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, वैसे ये खड़ी रेखा और आड़ी रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो बिंदु वाई पर होगा, और रेखाखंड पर कोण मापक की भुजा सीधी होगी जो जीरो अंश का कोण बनाएगी। अब यहां से गिनती करना शुरू कीजिए, जीरो अंश, 10, 20, 30, 40 और ये 45। तो पेंसिल लेंगे, 45 अंश पर मार्क करेंगे, ये 45 अंश हो गया। अब इसे जोड़ देंगे, पैतालीस अंश का कोण बनाने वाली किरण हमने खींच लिया। अब इस किरण पर कितना नामांकित आकृति आप देख चुके हैं, इसलिए मैं यहां नामांकन नहीं कर रही हूं। तो अब हमें कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु टी लेना है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर, दोनों भुजाओं का अंतर 2.7 है, तो 2.7 की दूरी पर हम बिंदु टी लेंगे। तो ये 2.5, 2.6, 2.7, तो इस तरह से 2.7 की दूरी पर हम चाप खींचेंगे और इस बिंदु को नाम देंगे टी। ये हमारा बिंदु टी है, ये बिंदु कौन सा था, वाई, और ये है, लिखना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर तो आप समझेंगे। अब हमें T से Z को जोड़ देना है, ये कितना सेंटीमीटर है, 2.7। T से Z को जोड़ना है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, आपके हाथ में स्केल होगी, आप ऑलरेडी जोड़ चुके होंगे, बहुत बढ़िया। अलग कलर लेते हैं, तो ये टी से जेड को जोड़ा। अब टी जेड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, मैंने आपको पहले सिखाया था, फिर भी ध्यान देंगे लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। तो उसके लिए हमें ये उपकरण है हमारा गोला प्रकार, इसकी आवश्यकता होती है। इसे इसका नुकीला सिरा और दूसरे सिरे में पेंसिल है, पेंसिल वाला सिरा हम कितनी दूरी लेंगे, यहां पर देखिए इस पर हम इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। टी जेड की आधे से अधिक, अनुमान लगाकर आधे से अधिक दूरी लेना है, इस दूरी को लॉक कर देना है। अब टी जेड की दोनों दिशाओं में चाप खींचनी है, ये एक दिशा में हमने चाप खींचा, दूसरी दिशा में चाप खींचते हैं। अब नुकीला सिरा हम Z पर रखेंगे, ये विधि है नुकीला सिरा, जिन्हों आपकी सारी क्वेरीज हम लास्ट के 10 मिनट्स में सॉल्व करेंगे,
स्टूडेंट्स आप परेशान ना हो, जो हाथ उठा रहे हैं आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व करेंगे। आपके हाथ में ये उपकरण है, आप मुझे फॉलो करके रचना करिए, जो भी डाउट है उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, परेशान नहीं होना है। आपने ये पिछली कक्षा में भी आपने ये रचना करना सीखा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ अंतर योग करना आपने सीखा है, यहाँ पर हम दो भुजाओं का अंतर लेकर कैसे रचना करेंगे वो सीख रहे हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अब इसे गोला प्रकार के दोनों सिरों के बीच की दूरी बदलनी नहीं चाहिए, वरना आपकी रचना गलत हो जाएगी। अब हम Z पर रखकर हमने दोनों ओर चाप खींचा। अब हम देख सकते हैं कि हमें दो प्रतिच्छेदन, दोनों चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे, तो स्केल को सीधा रखेंगे ताकि दोनों बिंदुओं को जोड़ सकें। इस प्रकार से तो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। तो यहां आप क्या करेंगे, इस जो YT है ब्लैक कलर से जो मैंने दर्शाया है, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसे भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो दोनों रेखाएं जब आगे जाएंगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। ओ ठीक है, तो इस तरह से फिर उस बिंदु को हम मिला देंगे। हमने पहले ही अपनी जो रचना है वापस आते हैं मुद्दे की ओर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था एक्स वाई जेड। यहां पर देखते हैं वाई पी इस तरह से है और टी जेड का लंब समद्विभाजक बिंदु इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है और उसे हमने एक्स नाम दिया। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन टू है वो सॉल्व करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्वेश्चन भी सेम है पहले जैसा, क्वेश्चन वन और टू एग्जैक्टली सेम है। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर है 6.5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर है 60 डिग्री तथा पी क्यू माइनस पी आर है 2.5 सेंटीमीटर। शिवम गुप्ता आप कुछ पूछना चाहते हैं? बेटा क्लास खत्म होने के बाद हम क्लास अभी टॉपिक खत्म होने के बाद लास्ट में आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा उसमें आप बातें कर सकते हैं, ठीक है? पहले हम लोग टॉपिक खत्म करते हैं। यहां हम देख सकते हैं इस प्रश्न में पी क्यू माइनस पी आर 2.5 सेंटीमीटर, सारे क्वेश्चन एकदम सेम है। अगर आपने दोनों उदाहरण सीखे हैं तो आप स्वाध्याय के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ बिंदुओं के नाम अलग हैं, कोण का माप 40 और 45 था, यहाँ पर 60 है। आधार की लंबाई 7.5 की स्थान पर 6.5 है और जो भुजाओं का अंतर है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो कच्ची आकृति है पी क्यू आर जिसमें कोण Q का मान 60 अंश है। यहां पर पी क्यू ग्रेटर देन पी आर है, क्यू आर यानी आधार 6.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड खींचिए। हमने क्यू आर खींचा जिसकी लंबाई हमने लिखा 6.5 सेंटीमीटर। Q से 60 अंश का कोण बनाने वाली किरण क्यू एस पर हम बिंदु T लेंगे जिसमें QT इस प्रकार लेना है कि वो दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर हो। प्रश्न में जो हमें अंतर दिया हुआ है PQ माइनस PR उसके बराबर लेना है।
तो ये 2.5 सेंटीमीटर है। क्यू एस पर हमें बिंदु पी को खोजना है, तो पी क्यू माइनस पी आर बराबर 2.5 है और हमने पी क्यू माइनस पी टी भी 2.5 लिया। तो दोनों समीकरणों से हम देख सकते हैं कि पी आर बराबर होगा पी टी के, तो अर्थात बिंदु पी यह रेख टी आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये हमने क्या किया, टी आर को खींचना है, फिर टी आर का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और उसका जो यानी किरण क्यू एस का और टी आर के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु जिसे हमने अभी अभी दर्शाया वो बिंदु होगा हमारा पी। तो ये हमारी कच्ची आकृति है और स्पष्टीकरण, प्लीज इसे भी कॉपी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पक्की आकृति। यहां पर रचना की सोपान मैंने अलग लिखे हैं। पहला स्टेप है 6.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख क्यू आर खींचेंगे। तो रेख क्यू आर खींचते हैं, ये हमने क्यू, ये बिंदु क्यू आर जिसकी लंबाई कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। बिंदुओं के नाम दर्शाएंगे क्यू आर। अब अगले स्टेप में हमने पहले ही सीखा है, दूसरा सोपान देखिए क्या है, बिंदु क्यू से 60 अंश का कोण बनाने वाली किरण क्यू एस खींचिए। तो यहां पर अब किरण क्यू एस खींचना है जो बिंदु Q पर 60 अंश का कोण बनाती है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, Q से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर Q T लेंगे। तो ये Q T लिया हमने, T से R को जोड़ देंगे। उसके पहले हमने Q T की लंबाई भी दर्शाई है, T से R को जोड़ देंगे। तो अब टी आर का लंब समद्विभाजक खींचना है। टी से हमने चाप खींचा टी आर की एक दिशा में, अब दूसरी दिशा में गोला प्रकार की सहायता से हमने पिछले क्वेश्चन में भी कैसे चाप खींचते हैं वो हमने सीख लिया है। अब बिंदु आर से चाप खींचेंगे, दोनों चापों को प्रतिच्छेदित कर प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिल गए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने जो प्रतिच्छेदन बिंदु है किसका, क्यू एस और रेख टी आर का, पहले दर्शाएंगे लंब और ये समद्विभाजक है, ये बिंदु है पी। पी से आर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से हमने त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की है। रचना के सोपान पिछले पेज पर हैं, वो भी आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सोपान स्टेप्स हैं क्वेश्चन 2, 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 के स्टेप्स हैं। और दूसरी स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, तो ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं। असल में ये जो आप देख रहे हैं, जब आप प्रत्यक्ष में रचना करेंगे तो ये क्यू से लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। सर्वांग समभुजाओं को दर्शा देंगे। क्वेश्चन 3 है, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल एबीसी 100 डिग्री, एसी माइनस एबी 2.5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। तो रचना के सोपान पहले आप लिख लेंगे। सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख बीसी खींचना है,
फिर बिंदु बी से 100 अंश का कोण बनाने वाली किरण बीटी खींचना है। उसके बाद बीटी पर बिंदु डी इस प्रकार लेना है कि बी डी 2.5 सेंटीमीटर होगी। फिर सी डी खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। बी एल को सी डी का लंब समद्विभाजक जिस स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है उसे ए नाम दीजिए। अब इस प्रश्न में और बाकी दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है, पॉइंट थ्री पर ध्यान देंगे। तो ये जो डी होगा वो विपरीत किरण पर होगा, क्योंकि यहाँ पर ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है। तो रेख ए सी खींचेंगे और त्रिभुज ए बी सी प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा समय हो चुका है लगभग, तो ये रचना आप करेंगे। मैं आपको रचना के सोपान यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो ये पूरे पेज में आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं बी सी है और किरण बी टी जो है वो आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है। अगर सीधे माप के सहायता से रचना करते हैं तो टी बहुत ऊपर मिलता है, लगभग 11 पॉइंट या 13 सेंटीमीटर। मैंने कागज पर जब इस रचना को किया था तो मापा था, इसलिए मैंने इसे स्लाइड शो में नहीं दिखाया है। ठीक है, आप पहले बी सी खींचिए, बी पर 100 अंश का कोण बनाइए, फिर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर नीचे की दिशा में डी लीजिए, डी से डी सी खींच दीजिए और फिर ये डी सी का लंब समद्विभाजक और किरण बी टी देखिए कहाँ पर, ये आपके पेज की फ्रेम जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसके भी बाहर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो वो हमें दिखेगा नहीं। इसके पहले जब मैं आपको टूल्स की सहायता से रचना कर रही थी तो भी सवाल में वो फ्रेम के बाहर जा रहा था। तो ए हमें यहां पर मिलेगा, ये रचना आप कागज पर प्रत्यक्ष करेंगे और सोपानों को ध्यान में रखकर करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। सौ अंश का कोण बनाया हमने, बिंदु डी लिया, डी से सी को खींचा, अब चाप खींचकर प्रतिच्छेदन बिंदु देखिए हमें स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से 4.2 एक्सरसाइज खत्म हुआ है। आपके लिए एक असाइनमेंट है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह कौन सा है, 4, और उसका चौथा सवाल ये आपका असाइनमेंट है। अब किसी को जो भी डाउट है वो पूछेंगे। हाँ आकाश यादव बोलिए बेटा, क्या समस्या है आकाश? टीचर रचना सोपान मतलब क्या होता है? सोपान यानी स्टेप्स बेटा, स्टेप्स। एक कैसे आप किस प्रकार से रचना करते हैं, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद पहली स्टेप के बाद पहला आपने जो रचना की उसके बाद दूसरी कृति क्या करेंगे, उसके बाद तीसरी क्या करेंगे, तो ये क्रम वाइज क्रम के अनुसार हम जो कृति है क्रम के अनुसार जब उसे लिखते हैं तो उसे हम स्टेप्स या सोपान कहते हैं। और सबसे पहले टीचर लिखेंगे? नहीं, ये स्टेप जब आप फाइनल एग्जाम में रचना लिखोगे करोगे तो स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्टेप्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ये बहुत मुश्किल होता है ना ठीक से समझना, इसीलिए मैंने बगल में स्टेप लिखा है और रचना भी साथ साथ लिखी है ताकि आप समझ पाए आसानी से। ठीक है, जब शिक्षक सामने होता है तो आपकी सारी समस्याएं तुरंत सॉल्व कर देता है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारी मजबूरियां हैं, है कि नहीं,
तो इसीलिए मैंने सोपान बगल में लिखा है ताकि आप एक एक, अगर आपको नहीं भी समझा है तो सोपान को फॉलो करेंगे तो आप रचना को कर पाएंगे। वैसे भी ये बहुत मजेदार मुद्दा है। और किसी को कोई डाउट है? हेलो टीचर। हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर आपने जो होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन को आप समझा सकती हो क्या? सेम है बेटा, जैसे हमने उदाहरण एक हल किया, त्रिभुज पेज नंबर 56 पर है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 का चौथा सवाल। त्रिभुज PQR बनाना है आपको, जिसमें PQ माइनस PR 2.4 सेंटीमीटर है। तो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कुछ भी उदाहरण एक और जो हमने पहला सवाल हल किया सेम उसी के जैसे, बस नाम अलग है और माप अलग है। ठीक है? ओके टीचर। और किसी को कुछ डाउट है तो सेशन समाप्त करें, फिर समय हो चुका है। हमने दी गई जानकारी के आधार पर त्रिभुज की रचना करना सीखा है, अर्थात जब दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई दी हो, उसकी दो भुजाओं का अंतर दिया हो और आधार का एक कोण दिया हो तो त्रिभुज की रचना किस प्रकार करेंगे, ये हमने सीखा है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।